गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. यानी गुड मॉर्निंग सर. 4.3 कल दिया था. गुड मॉर्निंग सर. 4.3 करने के लिए है ना. गुड मॉर्निंग सर. 4.3 करके आया वो. यस सर. ये वो. यस सर. कंप्लीटेड. यस सर. 4.3 किए हो. यस सर. सर. हां. 4.3 किए हो बेटा. हां. यस सर. यस सर. यस सर. एनी प्रॉब्लम इन 4.3? नो सर. नो सर. नो सर. कोई प्रॉब्लम है? नो सर. नहीं. नो सर. नो सर. नो सर. सर एक प्रॉब्लम. सर है. सर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4.3 का. 4 देखो. हां इसमें लगा द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज फॉलोज एज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्यूट डिस्टेंसेस इज 5 रुपीज पर किलोमीटर. 5 रुपीज पर किलोमीटर. ठीक है. टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाई as x kilometer and total fare is y rupees, write a linear equation in this information and draw the graph. आए कि कोई cities देखे हो ना. cities शहर में गए होगे तुम लोग. क्या रहते होगे है ना. उसमें क्या होता है टैक्सियां चलती है. तो टैक्सी में बैठोगे तो क्या करता है. इतना नहीं कि तुम पैसा दोगे कि यहाँ का इतना किराया. उसका तो होता ही है. मीटर लगा रहता है. पूछता है कि कहाँ जाना है आपको. ये कुछ नहीं पूछेगा. कहेगा बैठिए और वो ड्राइव करके ले जाता है. और जब ड्राइव करता है तो उसमें क्या होता है. मीटर की रीडिंग आती रहती है. तो कंडीशन क्या है. कंडीशन ये है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या कितना पैसा लगता है. हाउ मेनी रुपीज. क्या लिखा हुआ. 8 रुपीज लग जाता है. 8 रुपीज. एक किलोमीटर चल दिए तुम और उसका किराया. किराया मतलब फेयर होता है ना. फेयर कितना है. 8 रुपीज. 8 रुपीज. हाँ. और उसके आगे के डिस्टेंस कवर करोगे. एक किलोमीटर के बाद के डिस्टेंस कवर करोगे तो 5 रुपीज पर किलोमीटर. 5 रुपीज लगता है ना. 5 रुपीज पर किलोमीटर. पर किलोमीटर. हाँ. 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगते हैं. ठीक. यही होता है. क्या है क्वेश्चन. किसी सिटी में टैक्सियां चल रही है. उस पर कोई यदि बैठ के जाना चाहे तो क्या होता है. फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करोगे तो 5 रुपीज लगेगा और आगे के डिस्टेंस कवर करोगे तो 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए और 5 रुपीज पर किलोमीटर. सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. आगे के डिस्टेंस जो भी करोगे उसका कितना लगेगा. 5 रुपीज किलोमीटर. मैंने 1 किलोमीटर का 5 रुपीज लगा चाहे जितना डिस्टेंस कवर करोगे. तो कह रहा है कि टोटल यदि डिस्टेंस कितना कवर करता है. टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फोर्थ नंबर क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर फॉर फेयर 80 रुपीज. कितना है फेयर बेटा बोलो. फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 किलोमीटर. 8 रुपीज. 8 रुपीज. 8 किलोमीटर फेयर 8 रुपीज एक्स. रुपीज एक्स. टोटल फेयर एंड टोटल फेयर कितना. टोटल फेयर इक्वल टू कितना है. वाई रुपीज. वाई रुपीज. वाई. ठीक है. और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है. एंड लिख तो दिखाई दे रहा है. एंड फॉर सब्सिक्वेंट
substitute distance. Distance. X kilometer. Distance. Y. Rupee. सब्सटीट्यूट डिस्टेंस के लिए कितना है और टोटल फेयर कितना है वाई रुपीज टोटल किलोमीटर एक्स किलोमीटर कवर एक्स किलोमीटर एक्स किलोमीटर एक्स किलोमीटर देखो बेटा एक किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चलता है टोटल फेयर वाई लगता है ठीक तो मान लो कि 100 किलोमीटर चला होगा 100 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है तो उसमें से एक किलोमीटर घटा दोगे तो कितना बचेगा बोलो एक्स माइनस वन किलोमीटर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस वन चला है और एक किलोमीटर उसमें से सबट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा एक्स माइनस वन टोटल डिस्टेंस एक्स माइनस वन होगा तो एक्स माइनस क्या करेगा टोटल डिस्टेंस मान लो सपोज दैट ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो 100 किलोमीटर मान लो चला उसमें से एक किलोमीटर जो फिक्स किराया है कितना लग जाता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग जाए 100 में से एक किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा 99 किलोमीटर है वो किस रेट से किराया लगा 5 रुपीज पर किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस x है उसमें से एक किलोमीटर घटा दो तो कितना बच गया x माइनस x माइनस वन वन बताया ना क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स माइनस वन डिस्टेंस बचा एक किलोमीटर पहले एक किलोमीटर चल दिया तो कितना किराया लग जाए रुपीज 8 रुपीज 8 लगा ना एक टोटल हंड्रेड था तो 100 में माइनस वन होगा एक किलोमीटर चलेगा 10 किलोमीटर होगा तो 10 माइनस वन होगा 20 किलोमीटर 20 माइनस वन होगा तो 1 किलोमीटर का जो किराया फिक्स है ना 8 रुपीज तो 8 yes, इसका हो गया ये 8 रुपीज इसका हो गया अब डिस्टेंस कितना है x में से 1 किलोमीटर घटा दोगे तो कितना बचेगा x से 1 किलोमीटर सबट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा बोलो x माइनस 1 x माइनस 1 हो जाएगा ये डिस्टेंस x माइनस 1 क्या हुआ डिस्टेंस है किस रेट से चलेगा 5 रुपीज पर किलोमीटर 5 रुपीज पर किलोमीटर 1 किलोमीटर चलेगा तो 5 रुपीज तो 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना जाएगा 10 3 किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा 5 into 3 किलोमीटर चलेगा कितना होगा 5 into 10 किलोमीटर चलेगा तो 5 into 1000 किलोमीटर चल दिया मान लो तो कितना हुआ 5 into 1 करो ठीक है इसी तरह से 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना हुआ 5 into 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना हुआ 5 into 1 टोटल फेयर कितना है क्वेश्चन बनता जो 1 किलोमीटर चल दिया तो 8 रुपीज लग गया x में से 1 किलोमीटर घटा देंगे तो x माइनस 1 किलोमीटर होगा तो आगे के डिस्टेंस जो x माइनस 1 किलोमीटर होगा वो 5 रुपीज पर किलोमीटर के साथ चलेगा तो इतने किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 5 into x माइनस 1 यही क्वेश्चन हो गया इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 5x माइनस 5 3 प्लस 5x 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 3 प्लस 5x ठीक है या और अच्छे ढंग से लिखो तो 3 प्लस 5x y तो कहना बताइए तो कहना बोलो तो कहना
ऊपर लिखे सर खुले सर नीचे नहीं दिख रहा है अब ऊपर लिखिए सर ठीक है अब ये दिख रहा है ना यस सर विज्ञान दिख रहा था और ऊपर लिख भाई थोड़ा बीच में मत बोला करो यार कैसे माइनस थ्री हो गया शांत रहो तो सुनाई भी देगा भाई बीच में मत बोला करो ना शांत रहो तो कुछ सुनाई भी देगा क्या वैल्यू रखोगे वन रखोगे वन करने को माइनस रखो कुछ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो तो जीरो रखा गया थ्री दूसरा वैल्यू रखो एक्स का बोलो क्या रखेंगे सर माइनस फाइव बाई थ्री वन रखोगे वन से नहीं तो वन नेगेटिव में रखो कुछ वैल्यू देखो सर वन रखे सेटिस्फाई हो गए माइनस फाइव बाई थ्री माइनस टू रखो माइनस थ्री बाई माइनस वन चलो रखो माइनस वन y to 3 plus 5 into minus 1 equal to 3 minus 5 equal to minus is equal to minus 2 minus 2 this is the value the value ja gaya isko likh do kitna hoga ye dikh raha hai theek hai yes sir theek ab data bana lo ye kya aaya graph pe x equal to 0 to kitna hai सर वीडियो स्टॉप हो गया सर वीडियो क्लियर है नहीं स्टॉप है सर आ रहा है वीडियो सर वीडियो आ रहा है सर आ रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है विजिबल है चलो विजिबल है तो अच्छी बात है सर उसको लिखे नहीं थे यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका इक्वेशन ये होगा यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गया सर सर लिखे नहीं थे वीडियो स्टॉप हो गया वीडियो स्टॉप हो गया सर
सर सब सही है सर। रुद्र भाई तुम्हारा ही टाइम हो रहा है। नहीं नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, सबको म्यूट कर दीजिए सर। लिखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है। जीरो थ्री लिखना है, जीरो थ्री, जीरो थ्री लिखना ये होगा वो ओरिजिन होगा, जीरो और थ्री ये हो गया, जीरो थ्री ये हो गया, फिर माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू ये होगा। अब ये पॉइंट बेटा हो गया, माइनस वन दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू हो गया। अब इसको क्या करेंगे, स्केल रख के ये पॉइंट और इस पॉइंट को स्केल ऐसे रख के, ऐसे स्केल रख के इसको मिला दो, ठीक है, मिल गया, यही ग्राफ हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ है ना, ग्राफ होगा सर। इसको ग्राफ पे बनाएंगे, ग्राफ में, हाँ ग्राफ पेपर में बना सर, मिल नहीं रहा, कोरोना चल रहा है ना, ग्राफ पेपर में सर एक्स की वैल्यू पूछ लो, गलत है मतलब लाइक है, कॉपी पे बना लो भाई, ग्राफ ठीक से बनाओ, देखो बना दे रहा हूं ठीक से, देखो यही होगा ग्राफ, बाप रे पागल से कितना बोलता, 1 2 3 0 ये होगा, इसको लेकर के है ना, आप ठीक ग्राफ बना है, इसको स्केल से बनाओगे तो और बढ़िया आएगा, इसी प्रकार का ग्राफ होगा है ना, ठीक। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, कुछ भी पूछ कर सकते हैं ना, हैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा ना रखो जो कि अच्छा ना हो, जैसे दही में चीनी मिलाना है तो जितना मिलाने लायक होगा वो, मतलब जितना मीठा लगे और मीठे से ज्यादा लगने लगे तो भी अच्छा नहीं है, यस सर, है ना, अरे दही में जितना चीनी मिलाओ मिठाई होगा, लेकिन एक लिमिट है, एक कटोरी दही में एक बोरा चीनी नहीं मिला दोगे, है ना सर, साइड हो जाइए। सिक्स नंबर देखो, सिक्स सिक्स नंबर, सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स सिक्स देखो, सिक्स क्या है, सिक्स क्या है, माय टाइम, सिक्स क्या है, एयरफुल है, रॉकस्टार क्या है, देखो अपने बुक में देखो, सिक्स, इफ द वर्क डन ऑफ ए बॉडी आर एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल and draw the graph of the same by taking the constant force 5 unit. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by body is first 2 unit, second 0 unit. For the work done jo hota hai, directly proportional to the distance traveled hota hai. Work done ko kise likhte ho? W se likhte ho. W is proportional to D for distance. W for work, D for distance. ये proportional का symbol है. तो work is proportional to distance travel. जब बेटा ये proportionality हटती है, proportionality जब ये proportionality हटा करके equal का sign लगाते हैं,
तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं, क्या करते हैं, एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट तो क्या है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट, जैसे किसी बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट में 5 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, है ना। ये फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि 5 न्यूटन को लगाया और उसी में 10 न्यूटन तुरंत कर दे तो नहीं होगा, एक बार लगाओगे तो 5 न्यूटन या 10 न्यूटन या 15 न्यूटन या जो न्यूटन का वर्क फोर्स, तो क्या होगा, एक बार लगाएंगे तो एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे। ये 5 मिनट गई, ये कह रहा है कि यदि वर्क डन को हम एक वाई से डिनोट करें, और ये दिया है बेटा वर्क डन को बताया नहीं ना किससे डिनोट करें, तो वर्क डन को हम वाई से डिनोट कर ले रहे हैं बेटा, और फोर्स को आई से मान ले रहे हैं, फोर्स इसको एक्स मान ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन बन जाए, लेकिन फोर्स को डिनोट नहीं किया, तो फोर्स दिया हुआ है गिवन, फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन क्या है गिवन, और यदि 5 न्यूटन का यदि फोर्स लगाया जाए इस बॉडी पर, तो ये इक्वेशन बनेगा वाई इक्वल टू, यदि हम वर्क डन को वाई से डिनोट कर दें, डिस्टेंस को एक्स से डिनोट कर दें, तो इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एफ इंटू एक्स, या एफ क्या है, फोर्स है जो दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन ही दिया है, गिवन दिया हुआ है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, हां वो कोई नहीं है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट यदि एक्स इक्वल टू 0 रख दो बेटा, 0 रख दो तो y इक्वल टू 5 इनटू 0 0 हो जाएगा सर, 0। सेकंड यदि एक्स इक्वल टू 1 रख दो तो y इक्वल टू कितना होगा, 5 इनटू 1 इक्वल टू 5, यदि x equal to 2 रख दो कितना होगा, y equal to 10, 5 into 2 equal to 10, ठीक है, this is your equation। अब ये solution हो गया, अब क्या करना है, हमारे book में यही दिया है, मैं देख रहा था कि 1 newton 2 newton दिया, ठीक है, अब दूसरा करो, दूसरा अब इसको इरेज कर दें, फोर्स 5 न्यूटन दिया हुआ है, तो इरेज करके ग्राफ बना दे बेटा, ग्राफ यहाँ पे बना दे, ये क्या आ गया, डाटा क्या आ गया, डाटा आ गया, देख रहे हो, दिख रहा है डाटा, yes, गया 0 0 0, हाँ यदि डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना हो जा रहा है, 0 जीरो हो रहा है। दूसरा कितना है, यदि डिस्टेंस 1 है तो 1 5, हां 1 5, तो वर्क डन 5 हो जा रहा है, यदि डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना हो जा रहा है, 2.10 ना 5 10, इसको ग्राफ से बना लो, ग्राफ है ये, एक्स है, दिख रहा है एक्स, ठीक एक्स है, ठीक है, ये y है, ये y है, ये क्या है, 0 है, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 8 10, ठीक है, अच्छा ठीक, क्या होगा दूसरा, ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है, इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, ठीक है, इधर देख लो -1 -2 -3 -4, ऐसे हो जाएगा, इधर भी वाई यूनिट हो जाएगा,
अब कोई कोऑर्डिनेट रह गए, लोकेट करो इस पॉइंट को, जीरो जीरो मतलब यही रह गया। मैंने ये जो लाइन होगी ग्राफ की वो जी क्या होगी, ओरिजिन से बात करी। जीरो जीरो किसका होता है कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का होता है यहाँ से पास का, ठीक है। वन फाइव वन फाइव वन पे फाइव वन पे फाइव यहाँ आ गया, वन पे फाइव ये हो गया, वन पे फाइव वन पे फाइव ये वन फाइव वन फाइव वन फाइव ये है वन, ठीक है। और दूसरा है फाइव, फाइव पे कितना है, फाइव है कि टू है बेटा, टू है ना, दिस इज टू, टू पे टेन है, टू पे टेन, टू पे टेन ये है, केबला होता है, टू पे टेन केबला होता है, इसको ड्रा करो, सर स्पीकर ऑफ करो ये ना, ठीक है, यही ग्राफ हो गया, दिस इज ग्राफ, पता नहीं कि कमेंट का बोला हो गया बेटा है ना, दिस इज योर ग्राफ। नंबर और बता दीजिए सर, एक बार और बता दीजिए। इसमें क्वेश्चन किया है कि ग्राफ से ये बताओ कि टू यूनिट यदि डिस्टेंस चलते हैं तो कितना यूनिट क्या है फोर्स है, पूछा है इसमें कि फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज टू यूनिट एंड सेकंड में क्या है जीरो, तो टू यूनिट पे ग्राफ से बताओ तो टू यूनिट पे कितना है, टू यूनिट है, टू के सामने ऐसा करो, तो कितना है टू यूनिट पे कितना है वर्क, ये वर्क डन वाला है, वाई एक्सिस किसका है वर्क डन, वाई क्या है, वाई किसको माने है वर्क डन को माने है, ठंडी में एक्सिस को माने है डिस्टेंस को, वाई वर्क डन है और एक्स डिस्टेंस है, कितना हो गया बोलो, कितना हुआ है तीन यूनिट हो गया, टू थ्री, ठीक है। तो जब टू यूनिट डिस्टेंस है तो वर्क डन कितना है टेन यूनिट, ठीक है। दूसरा जीरो पर का है, जीरो डिस्टेंस चलता है तो कितना वर्क डन होता है, जीरो डिस्टेंस चलते है डिस्टेंस कुछ नहीं चला तो वर्क डन क्या हो गया जीरो, जीरो। फर्स्ट का आंसर है व्हेन, दिखाई दे रहा है यहाँ पे होगा व्हेन, फर्स्ट फर्स्ट व्हेन व्हेन डिस्टेंस 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 ट्रेवल ट्रेवल इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल टू यूनिट व्हेन then force equal to sum graph sum graph sum graph graph से then force equal to 10 सर थोड़ा साइड हो जाइए 10 न्यूटन है ना कितना है 10 न्यूटन है 10 न्यूटन है दूसरा second then distance distance travel travel is zero unit zero unit then force equal to zero पे कितना है zero है zero पे यदि zero unit distance है तो work done पे कितना है zero है zero zero newton है newton का symbol है n पर न्यूटन जीरो न्यूटन होगा वर्क डन कितना होगा जीरो जीरो न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन एट हां तो सेवन हां बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर टू यूनिट के बाद क्या है कहां पर बेटा यहां पर टू यूनिट यस सर फोर्स इक्वल टू टेन यूनिट देन फोर्स इक्वल टू टेन यूनिट फोर्स टेन यूनिट देखो टू पे ये डिस्टेंस का है डिस्टेंस एक्स है ना एक्स एक्सिस किसका है डिस्टेंस का है तो टू यूनिट पे कितना है यहाँ से ऐसे ले जाएंगे तो कितना हुआ टेन यूनिट ये टेन है ना
टू पे कितना है? टू पे ये टेन है. यस सर. ठीक है, आज जीरो पे कितना है? जीरो ही है. तो वर्क डन 10 न्यूटन होता है. यदि 0 यूनिट डिस्टेंस चलते हैं तो वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है. ठीक, नेक्स्ट. नहीं, कोई क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन नंबर 8 7 बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 8 7 यस सर. 7 7 देखो. अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन देखो. 7 जल्दी देखो. 7 कौन आ रहा है बेटा? यस सर. यस सर. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. yes, नेक्स्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें यामिनी और फातिमा है. क्या यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 है ना. टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है ना. टू हेल्प द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड राइट द लीनियर इक्वेशन विद द विच सेटिस्फाई द डाटा. You may take the contribution x and y and draw the graph for the same. पर है कि आमने फातिमा किसी क्लास 9 के स्टूडेंट है किसी स्कूल में है ना, और दोनों ने कंट्रीब्यूट किया किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, जो कि अर्थ क्यूब विक्टिम है. मतलब अब भूकंप की एक आपदा होती है, विक्टिम माने आपदा होता है ना, तो उस विक्टिम के लिए क्या किया? दोनों ने मिलकर यामिनी और फातिमा ने मिलकर के ₹100 क्या किया? कलेक्ट किया ना? तो इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. सर यामिनी का सर 0:100 और सर फातिमा का सर 100:0. यामिनी लेट यामिनी 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 कंट्रीब्यूटेड रुपीज x and data Fatima f Fatima equal to rupees y rupees according to question x plus y इसका x x rupees t और ये y दोनों मिलके कितने हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना क्या हुआ है? रुपीज हंड्रेड क्या होगा? एच प्लस वाई इक्वल टू, और यह ऐसे लिख सकते हो वाई इक्वल टू हंड्रेड. फर्स्ट आंसर हो गया. सेकेंड वाई इक्वल टू हंड्रेड माइनस ग्राफ रख लो. फर्स्ट ग्राफ के लिए रख दो एच. एच इक्वल टू कितना रखोगे बोलो? x इक्वल टू 50 रखो तो y इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस 50 इक्वल टू 50. सेकंड x इक्वल y इक्वल टू 100 x इक्वल टू कितना रखोगे? 60 रख लो तो y इक्वल टू कितना होगा? 100 माइनस 60 40. ठीक है, ग्राफ अब इसके लिए कर दो. कितना इक्वेशन आ गया है ऐसे? ठीक है, यहीं तक है ना? एक्स एक्स दिख रहा है? नहीं नहीं, एक्स एक्स इज विजिबल. ठीक है, एक्स दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई,
दिस इज वाई, दिस इज वाई है। अब इस ग्राफ पे रख के खींच सकते हो, मान लेना यहाँ पे मान लेना लेट 10 यूनिट इक्वल टू 1, 1, 2, 3, देखो को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे रखोगे ना, ये रखोगे कितना इधर का ज्यादा होना चाहिए बेटा। ग्राफ ड्रा कर लोगे ना, ग्राफ ड्रा कर यस सर, सर 10 लेके करेंगे सर। यस सर 10 हाँ, ग्राफ ड्रा कर लेना, नहीं आएगा तो बता दूंगा कल, ठीक। चलो ग्राफ ड्रा कर लेना, ऐसे ही यही क्वेश्चन कर लेना, 10 लेके करेंगे तो आ जाएगा। ये सर 10 20 30 हाँ बेटा, x एक्सिस का क्या होता है, एक साइसिस का इक्वेशन तो ग्राफ डा हुआ है, देखो ऐसे है इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, इक्वेशन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स वाई है, this is x, this is y, this is y, so 1, 2, 3, 4, 5, कितना होगा, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, this is minus 1, minus 2, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, एक मिनट, ठीक है सर, ठीक है। तो एक एक्सिस का इक्वेशन, एक एक्सिस क्या होगा, ये होगा एक्स एक्सिस, इस पे वाई कुछ है, एक्स पे, एक्स पे क्या है, जो भी होगा एक्स होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इसमें होगा वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस पे एक्स ही होता है। इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। और कोई प्रॉब्लम, कल एक्सरसाइज होमवर्क दे दे तुम लोगों को, एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 करके आना है ना, एक्सरसाइज 4 तो कौन सा एक्सरसाइज, यस सर एक्सरसाइज होमवर्क, यस सर एक्सरसाइज कर कौन, एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.4 ये दोनों करके आना है ना, ठीक है, यस सर। जुड़े के सर 4.3 का एट्स का फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। यस सर।